आज तो बिटिया को बड़ा प्यार आ रहा है हमारे ऊपर। डैडी अगले हफ्ते हमारे स्कूल में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, मैं परी बन रही हूँ उसमें। हमारी बिटिया परी नहीं बनेगी तो और कौन बनेगी? और मुझे परी बनने के लिए एक नया तेरे दिन का फ्रॉक चाहिए। टीचर ने कहा है कि 50 रुपए में बन जाएगा। एक दिन के खेल के लिए 50 रुपए? नहीं बेटे, इतने रुपए तो मेरे पास नहीं। फिर मुझे पार्ट भी नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता तो ना मिले, वही वक्त तुम पढ़ने लिखने में लगा लेना। तुम्हारे डैडी एक नंबर के कंजूस है। डैडी एक बात साफ साफ बताइए, मुझे अजंता लोरा जाने के लिए 50 रुपए मिलेंगे या नहीं? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब पहले ही दे चुका हूँ। लेकिन डैडी हमारे मास्टर जी कहते हैं इतिहास सीखने के लिए ऐतिहासिक जगह पर जाना बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक जगहों पर जाने का एक तरीका और भी है। ये किताब खोलने की देर है, आदमी अजंता एलोरा पहुंच गया। इसमें यह भी लिखा है कि ये कितने 100 बरस में बने, कितने 100 बरस पहले बने। ये टूर तुम्हारे रोज कर सकते हो, न रास्ते की धूल, न सफर की थकान और न पैसे की बर्बादी। ये देखिए डैडी, दुनिया के बेहतरीन फल आदमी ने खा सकता है। जो बात इन फलों की है वही अजंता एलोरा की है। मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। जानते हो इस बढ़ती हुई महंगाई के जमाने में घर चलाना कितना मुश्किल होता है? तुम्हारे इस टूर के लिए मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? महंगाई सारी दुनिया के लिए है डैडी, सिर्फ आपके लिए नहीं। आप ही के दफ्तर में, आप ही के नीचे मेरे एक दोस्त मुरली का बाप साधुराम काम करता है। आपसे आधी तनख्वाह मिलती है उसे, लेकिन मुरली 50 रुपए चंदा भी दे चुका है और 20 रुपए साथ भी ले जा रहा है। साधुराम ये सब कैसे करता है वो साधुराम ही जाने। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे पास 50 रुपए नहीं है तुम्हें देने। ठीक है, आपसे पैसे लेने का एक तरीका मैं और भी जानता हूँ। मेरे पास एक हथियार और भी है। हथियार? हाँ, वही हथियार जो गांधी जी ने चलाया और देश आजाद हो गया। सत्याग्रह, भूख हड़ताल। तो अब इस घर में सत्याग्रह शुरू होने वाला है। जानते भी हो भूख हड़ताल क्या होती है? 5 मिनट खाना मिलने में देर हो जाए तो तुम सारा घर सर पे उठा लेते हो। मैं भूखा रह के भी दिखाऊंगा। जब तक मेरी मांगे माने नहीं जाएंगी मैं खाना नहीं खाऊंगा।